सो मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है ना, तो आप तभी बाहर निकल सकते हैं इस टाइम। और ये गर्मी रहने वाली है कम से कम ऐसी भाई, मे बी शायद दो तीन महीने और रहने वाली है गाइस। थोड़ी सी शांत जगह पे। अरे अंकल क्या यार, मतलब लोगों को हो क्या गया है गाइस, मतलब से लोग हैं। अंकल हाँ खड़े होके क्या देख रहे हैं भैया। So hello guys, welcome back to the new video with a new fresh vlog guys. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मज़े होंगे अपने अपने घरों में। सो जी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं guys अपनी RS 200 के ऊपर, और उसी पे आज मोटो व्लॉगिंग करेंगे। बहुत टाइम बाद हम अपनी RS 200 को निकाल रहे हैं। और बाकी गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी की बातें और सब कुछ जो अपना एक्सप्लोर करना है हमें वो करेंगे सीधे बाइक पे ही और अपनी राइड पे। तो चलो चलते हैं फिर। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइज। सामने का सूरज देखो गाइज एक बार, बिल्कुल चिलचिलाता हुआ। बस अभी शाम ही हुई है और गाइज सामने आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप अभी भी निकल रही है। तो ओए होए क्या बात है भैया, ये लोग देखते नहीं है यार। सो मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई। हाँ जी, तो गाइज बहुत टाइम हो चुका था भैया अपनी RS 200 को बिल्कुल भी राइड नहीं किया था। सो आज फाइनली भैया अपनी RS को निकाल लिया हमने। हमने सोचा कि भाई आज इसको कर ही लेते हैं राइड, और भाई क्या बात है, मतलब क्या पावर भरी हुई है इसमें। खड़ी खड़ी भैया बोल रही है कि आ जाओ चला लो मुझे, थोड़ा सा जोश दिखा दो अपना। तो भैया ये वाली चीज़ यार, बिल्ली, अरे भैया क्या बात है भैया, बिल्ली मौसी बेचारी के चोट भी लगी हुई थी, अब बिल्लियों से हो गई होगी लड़ाई इसकी ज़रूर। तो ये वाली बात है भाई। तो पहले भैया यहाँ से निकाल लेते हैं गलियों में से, तो हम चलेंगे आज थोड़ी सी शांत जगह पे। अरे अंकल क्या यार, मतलब लोगों को हो क्या गया है गाइस, मतलब ना पीछे देखना है ना आगे देखना है, बस भैया मोड़ दो इधर से उधर। बड़ी ही अटपटी सी मतलब चीज़ें हो गई हैं, मतलब लोगों को चलाने से मतलब है, लोगों को सिर्फ ये देखने से मतलब नहीं है कि कौन कहां से आ रहा है कौन कहां से नहीं आ रहा है। और अभी टक्कर हो जाएगी भैया, चोट वोट लगेगी तो सीधे कह देंगे भैया तुमने हमारे टक्कर मार दी, हमारे ऐसे कर दी वैसे कर दी। तो ये बड़ा ही अजीब सा होता जा रहा है भैया, लोग चलाने वाले ऐसे लोग हैं। ओए होए अंकल कहाँ खड़े होके क्या देख रहे हैं भैया। और जी यहाँ पे भीड़ का लगना ये तो आम बात है बिल्कुल। तो हमारे भैया शहर में अगर भीड़ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले भैया हम निकल जाएं, बस नहीं तो लगा देगी बहुत ज़्यादा जाम। क्या बात है, ओए होए होए होए, एक तो भाई गड्ढों का कोई इलाज नहीं है, रोड बनती हैं और गड्ढे वापस आते हैं भैया, वापस आते हैं। तो हमको भैया मुड़ना है राइट की तरफ, तो वहीं चलेंगे भैया, बस निकले पहले। ओहो भाई क्या बात है, दोपहर में निकलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि गर्मी और धूप और चिलचिलाती हुई लू भैया। अपने शहर में भैया देखो जो गर्म हवा होती है ना जब चलती है तो उसको लू बोला जाता है। तो भैया हमारे यहाँ तो चलती है लू। और भैया अगर आपके शहर में या फिर आपकी जगह पे कुछ और नाम से बोला जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भैया, ताकि हम भी नई नई चीज़ों को और नए नए वर्ड्स को सीखें। तो लिटरली गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है मतलब दोपहर के टाइम में कि आप बिना किसी रीज़न के निकल ही नहीं सकते। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है ना, तो आप तभी बाहर निकल सकते हैं इस टाइम। और ये गर्मी रहने वाली है कम से कम ऐसी भाई,
मे बी शायद दो ढाई दो तीन महीने और रहने वाली है गाइस। तो इस गर्मी को तो भैया 2-3 महीने और झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मतलब गाइस एक अलग ही मौसम सा हो जाता है कि भाई बिल्कुल भी ना तो यहाँ पे गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब बिल्कुल सही टेम्परेचर होता है कि आप यहाँ पे आके आराम से राइड कर सकते हो और आराम से बाइक वगैरह हम लोग चला सकते हैं, व्लॉग शूट कर सकते हैं ख़ास तौर से भैया हम। तो ये वाली चीज़ इस वाली रोड पे अच्छी है। और बाकी यहाँ पे एक तो ये है मेन कि देखो गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी सब। तो गाइस भैया एक तो मौसम ऐसा चल रहा है, कभी कभी भैया देखो हम रहते हैं अपने घरों में भैया एसी में, और फिर उसके बाद फिर बाहर निकलना जॉब पर जाना, तो भैया तबीयत थोड़ी सी हो चुकी डाउन और गला भी एकदम से वापस सा मतलब ख़राब सा होने लगा, खांसी और खराश टाइप सी होने लगी है भैया। तो ये वाली चीज़ बड़ी ही निकल जाए फिर गर्मी में बिल्कुल। सो गाइस ये वाली रोड मुझे बहुत ही कमाल की लगती है, बहुत शानदार लगती है वाली रोड। इस वाली रोड की बात ही अलग है गाइस। और सामने इधर की साइड जो बराबर में यहाँ पे एक बहुत सही ग्राउंड है मतलब खेलने वगैरह के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए और गाड़ी वगैरह सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छा एक ग्राउंड है। और रोड की क्या बात है गाइस, मतलब अलग ही लेवल की रोड है ये वाली, अलग ही मतलब इस रोड की वाइब है। बस यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम होना तो भाई साहब यहाँ पर भगाओ 100 के ऊपर तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन भाई भी सेफ्टी के साथ गाइस अपनी बाइक चलाइए, आप बाइक उतनी ही चलाइए, स्कूटी उतनी ही चलाइए कि गाइस आपसे संभल पाए। तो बाकी भैया देखो फालतू में भगाने वगाने का तो कोई भी मतलब नहीं बनता है, अगर आप भगाते हैं फालतू में तो गाइस देखो बहुत ही लोचा हो सकता है आपके साथ। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी भाई देखो ध्यान से करी जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। देखो भगाने का कोई भगाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो आप बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी चलाओ, सही तरीके से अपना एक मेंटेन स्पीड में चलाओ तो गाइस देखो बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप मेंटेन स्पीड में अगर गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना तो गाइस बहुत सही, मतलब आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, हर चीज़ को इन्जॉय कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया बात यही होती है कि गाइस इन्जॉय करो बस हर एक मोमेंट को, बाकी फालतू में जितनी भी कहनी चाहिए ना ओवर स्पीडिंग करना बिल्कुल ही गलत है। तो आज काफ़ी टाइम बाद RS 200 को निकाला गाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आ गया। मतलब तो आने वाले टाइम में गाइस अपनी RS 200 पे हम लोग भाई देखो नया मॉडिफिकेशन वगैरह करने जा रहे हैं और एक नई इस पे ग्राफिक्स वगैरह डलवाने की सोच रहे हैं गाइस। तो प्लान कर रहे हैं अभी कि क्या क्या चीज़ों को हम इसमें ऐड करवा सकते हैं, कौन से ग्राफिक थीम्स वगैरह जो मेरे माइंड में है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाली चीज़ एक बार हो। तो बाकी आप कौन कौन सी मतलब मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर बस यही वाली चीज़ है गाइस। और वीडियोस वगैरह अगर आप गाइस आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा व्लॉग्स को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। और ऐसे ही लेटेस्ट व्लॉग्स लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून स्टे वॉच। सो गाइस चलो मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस बाय बाय।